ये फिल्म शुरू होती है चांद की कुछ दिग्गज आत्माओं से, जो अपनी रस्मों में नाचते हुए अपनी ऊर्जा धरती की ओर भेजते हैं, जहां वेयरवोल्फ जीन वाले लोग बदलकर बड़ी ताकत हासिल करते हैं। इसी दौरान हमें चांद की एक छोटी आत्मा मूपो से मिलवाया जाता है, जो थोड़ा शरारती लगता है और अपनी ही धुन में मस्त है। उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसकी ओर ध्यान खींचती है। साथ ही हम देखते हैं कि मूपो भी एक दिन इस नाच का हिस्सा बनना चाहता है और उनकी नकल करने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसे एहसास होता है कि वह भी भले ही छोटा है, ये कर सकता है और थोड़ी ऊर्जा धरती की ओर भेजता है। हालांकि वह देखता है कि एक भेड़िया चुड़ैल जिसका नाम मैक्सी है, ऊर्जा को लेना शुरू कर देती है और मांग करती है कि उसे और भी ज्यादा दी जाए, इतना ज्यादा कि वह मूपो को भी लेने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी माँ बीच में आकर उसे रोक लेती है और सब कुछ रुक जाता है। उसी वक्त इस फिल्म का मुख्य किरदार सब कुछ रोक देता है, क्योंकि कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है। फिर वह हमें अपने पिता वैलेंटिन लुपिंग से मिलवाता है। हम उसके चाचा टिमो को भी देखते हैं, जो पहले बुरे थे, और उसके सबसे अच्छे दोस्त लूना से भी मिलते हैं। वो खुद को फ्रेडी लुपाइन के रूप में पेश करता है, जो समूह का नेता है। हालांकि जल्द ही यह पता चलता है कि वो सिर्फ नेता बनने की ट्रेनिंग में है, क्योंकि खतरे के समय बुजुर्ग लोग बचाव के लिए आते हैं। लेकिन फ्रेडी खाली बैठने का इरादा नहीं रखता, इसलिए वो जल्दी से मदद करना चाहता है। हालांकि उसी वक्त लूना के साथ वो गुब्बारे के ऊपर पहुंच जाता है, जबकि भेड़िया समूह समस्याओं का सामना करने लगता है। वे देखते हैं कि इंसान हर जगह है और वे नहीं चाहते कि उनकी खोज हो। उसी वक्त सबको एहसास होता है कि फ्रेडी गुब्बारे में है, लेकिन वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फ्रेडी और लूना किसी तरह गुब्बारे को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वे दो लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन बुरी बात ये होती है कि जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे न्यूज में आ चुके हैं और सबने फ्रेडी को एक गुलाबी कुत्ते के रूप में देखा। उस दिन फ्रेडी देखता है कि सबको यह मजाकिया लग रहा है, तो वह वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे इसकी परवाह नहीं। वो खुद को बाकी सभी की तरह पूरा भेड़िया मानता है, जबकि लूना उसे हिम्मत देती है, क्योंकि वह हीरो है और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इस वजह से फ्रेडी को थोड़ी आत्मविश्वास वापस मिलती है और वो उस म्यूरल को देखता है जहां चांद वेयरवोल्व्स को ताकत देता है। अब तक वे एक खास जगह की तलाश में हैं, जहां वो पत्थर होना चाहिए जिससे वे पहले चांद की आत्माओं से संपर्क करते थे, उनसे मदद मांगने के लिए। लूना समझ नहीं पाती कि उन्होंने ऐसा करना क्यों बंद कर दिया। दोस्त उस पत्थर तक पहुंचते हैं और फ्रेडी आत्माओं को बुलाना शुरू करता है और उन्हें अपनी स्थिति समझाता है। वो बताता है कि कितनी भी मेहनत कर ले, उसे अपने समूह का सम्मान नहीं मिल पा रहा। आत्माएं इसे इतना गंभीर नहीं मानती और चली जाती हैं। उसी वक्त मूपो ये देखता है और उसे थोड़ी मदद करने की कोशिश करता है। वह नाचता है और थोड़ी ऊर्जा फ्रेडी को भेजता है, लेकिन बुरी बात ये होती है कि वह भी धरती की ओर जाने लगता है। फ्रेडी को थोड़ी ऊर्जा मिलती है, जिससे वो जल्दी ही बदलने लगता है। लूना देखती है कि वो एक बड़े भेड़िये में बदल गया है, जिससे वो खुश होता है। जबकि लूना सोचती है कि आत्माओं को उसे इस तरह मदद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें उसे धैर्य रखना सिखाना चाहिए था। लेकिन फ्रेडी को खुश देख वो बस उम्मीद करती है कि आत्माएं गलत ना हो। फिर हम देखते हैं कि मूपो भी आसमान से धरती पर उतरता है और उसे एहसास होता है कि अब उसका शारीरिक रूप है। वो जल्दी से अपने दोस्तों से मिल जाता है और फ्रेडी की नकल करने लगता है, जिससे फ्रेडी परेशान हो जाता है और गलती से उसे डरा देता है। जल्दी ही फ्रेडी माफी मांग लेता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। वो मूपो को धन्यवाद देता है कि उसने उसके लिए क्या किया और फिर मूपो से विदा लेकर वो खुश होकर चांद की ओर लौटने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि जाते जाते मूपो कहता है कि उसे पता नहीं है कि वो वापस कैसे जाएगा। इस पर वैलेंटिन समूह को बताता है कि फ्रेडी ने कभी जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया और भले ही वो छोटा हो, उसके अंदर एक महान भेड़िये की आत्मा है जो समय के साथ एक बड़ा नेता बनेगा। लेकिन तभी फ्रेडी अपनी नई शक्ल दिखाते हुए शानदार अंदाज में प्रवेश करता है। वो देखता है कि सभी लोग उससे प्रभावित हैं और अचानक लोग उसके सामने घुटने टेकने लगते हैं, जिससे फ्रेडी काफी खुश महसूस करता है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह सब मूपो की वजह से हो रहा है, क्योंकि मूपो उसका पीछा कर रहा था और लोग मूपो को देख रहे थे। तभी सबको पता चलता है कि मूपो फ्रेडी का पीछा कर रहा था। फ्रेडी के पास अब सच बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। इस पर लोग बताते हैं कि पहले भी एक छोटे कद के वेयरवोल्फ ने चांद की आत्माओं से ताकत मांगी थी और जब उसे थोड़ी ताकत दी गई तो वह धीरे धीरे बुराई की ओर बढ़ने लगा। समय के साथ वह और ज्यादा ताकत चाहता था और यही वो घटना थी जो हमने शुरुआत में देखी थी।
हालांकि आत्माओं ने उसे सही समय पर रोक दिया और उसे भेड़िए में बदलने की शक्ति छीन ली। फ्रेडी सबको भरोसा दिलाता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। मूपो चांद पर वापस नहीं जा सकता, तो फ्रेडी यह प्रस्ताव रखता है कि वे मैक्सी को ढूंढें, जिसने एक पोर्टल बनाया था, और उस जादू का इस्तेमाल करें जो सिर्फ वही जानती है। लेकिन बाकी लोग इसे एक बड़ी गलती मानते हैं, क्योंकि अगर मूपो मैक्सी के हाथ लग गया तो ये सब खत्म हो सकता है। इसलिए वे मूपो को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उसके बारे में न जान सके। इससे मूपो डरकर भाग जाता है और फ्रेडी को उस वक्त के लिए निलंबित कर दिया जाता है। इसी समय वैलेंटिन बताता है कि आत्माओं को चांद से ऊर्जा चाहिए होती है और मूपो के पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है इससे पहले कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाए। अब फ्रेडी मूपो को बचाने के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो गुप्त रूप से समूह से छिपकर मैक्सी को ढूंढने की योजना बनाता है। वो कुछ कुत्तों से मदद मांगता है जो उसे एक पवित्र स्थान पर ले जाते हैं, जहां अनजानी जादू की मदद से वे मैक्सी की लोकेशन पता कर पाते हैं। लेकिन तभी भेड़िए वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। भागते वक्त गलती से फ्रेडी फिर से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और वे गाइड कुत्ते की सलाह मानते हुए सफर में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचते हैं जहां एक अजीब ऊर्जा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही होती है, लेकिन मूपो अपनी शक्तियों से रास्ता बनाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि बहादुरी और भेड़ियों का समूह भी यह जान गया है कि वे कहां गए हैं। लड़के आगे बढ़ते रहते हैं और देखते हैं कि फ्रेडी फिर से भेड़िया बन जाता है, लेकिन बुरी बात यह होती है कि उसी समय मूपो की ऊर्जा खत्म होने लगती है। फ्रेडी यह महसूस करता है कि वो उसके करीब है और मूपो की ऊर्जा उसकी ओर खींचने लगती है, इसलिए वो बेहतर समझता है कि खुद को मूपो से अलग कर ले। शाम होने पर वे थोड़ा आराम करते हैं और फ्रेडी को कुछ सपने आते हैं जिन्हें बाकी लोग भी देख सकते हैं। वे समझते हैं कि फ्रेडी अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है, लेकिन तभी बड़े चमगादड़ और विशालकाय जीव दिखाई देने लगते हैं, जिससे समस्या खड़ी हो जाती है। उसी समय उस जगह की नेता प्रकट होती है और वो कोई और नहीं बल्कि मैक्सी खुद होती है अपने इंसानी रूप में। वो सबको रोक देती है ये देखने के लिए कि घुसपैठिए कौन है। फ्रेडी आगे बढ़कर दिखावा करता है कि वो मैक्सी के साथ है और झूठा इकरार करता है कि उसने भी चांद की आत्माओं से ऊर्जा मांगी थी। फिर वो उसे ये कहकर धोखा देता है कि आत्माओं ने उसे ज्यादा ताकत नहीं दी और अब वो उनसे बदला लेना चाहता है। मैक्सी उसे परखने के लिए कहती है कि वो अपने दोस्तों के खिलाफ जाए और फ्रेडी इसका नाटक करता है। मैक्सी उसकी बात पर यकीन कर लेती है। इस बीच मूपो, जो छिपा हुआ था, जाग जाता है और सोचता है कि उसके दोस्त अब वहां पहुंच गए हैं। उसी समय फ्रेडी को एहसास होता है कि वो और मैक्सी काफी हद तक एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों सिर्फ सम्मान चाहते थे। फर्क बस इतना था कि मैक्सी ने जादू और मंत्रों का सहारा लिया ताकतवर बनने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भेड़िए उनके पीछे लगे हुए हैं और जल्द ही उन तक पहुंचने वाले हैं। अगले दिन मूपो गलती से मैक्सी के एक जीव की ऊर्जा को सोख लेता है और बाकी लोग देखते हैं कि मूपो अचानक बदलने लगता है। इस बीच फ्रेडी वापस इंसानी रूप में बदल जाता है और मैक्सी से सभी मंत्र और जादू सीखने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं एक चमगादड़ उसका पीछा करता है, लेकिन जल्दी ही फ्रेडी को समझ में आता है कि वो सिर्फ खेलना चाहता है। फ्रेडी उसे पत्थर से भगाने की कोशिश करता है, जबकि मैक्सी उसे सिखाती है कि धरती की ताकत का इस्तेमाल करके कैसे जादू किया जाता है। दूसरी ओर बेकाबू मूपो अपना खेल खत्म कर देता है। धरती की ऊर्जा का इस्तेमाल करके फ्रेडी और मूपो अपने काम में आगे बढ़ते रहते हैं। अगले कुछ घंटों में फ्रेडी धरती, चांद और अपने नए दोस्त चमगादड़ के साथ संबंध बनाना सीख लेता है, जबकि मूपो धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा है। समय के साथ फ्रेडी को लगता है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है और अब वो सबसे कठिन जादू सीखने के लिए तैयार है। हालांकि मैक्सी उसे चेतावनी देती है कि जादू का अत्यधिक इस्तेमाल उसके मन को भ्रष्ट कर सकता है, जैसे उसके साथ हुआ था, और इसी कारण उसने सब कुछ खो दिया था। वो फ्रेडी से धैर्य रखने की सलाह देती है और बताती है कि उसकी लगन उसे किसी की याद दिलाती है। रात के समय फ्रेडी यह खोजता है कि मैक्सी को इतना ज्ञान कहां से मिला, जिसे वो स्पेल लाइब्रेरी कहता है। वो सही समय का इंतजार करता है ताकि वो पोर्टल का पता लगा सके और उसे एहसास होता है कि वहां और भी कई पोर्टल्स हैं। दूसरी तरफ लूना बाकी लोगों से मिलती है और उन्हें दिखाती है कि वो अब उस विशाल चमगादड़ की दोस्त बन गई है। लेकिन मूपो लूना से उसकी थोड़ी ऊर्जा छीन लेता है और झील की तरफ भाग जाता है। मूपो दूर से फ्रेडी की आवाज सुनता है और फिर दोनों मिलकर धरती की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और जश्न मनाते हैं।
लेकिन लूना इससे सहमत नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि यह ऊर्जा उन्हें बदल रही है। सबसे बुरी बात यह होती है कि अब ये साफ हो जाता है कि मूपो का समय खत्म हो रहा है। उसी समय मैक्सी वहां आ जाती है और वो तुरंत समझ जाती है कि क्या हो रहा है। वो सोचती है कि फ्रेडी ने उसे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि मूपो को वापस चांद पर भेज सके। फ्रेडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे दोस्तों की जरूरत है क्योंकि लगता है कि उसके पास कोई नहीं है। हालांकि मैक्सी उसे दिखाने की कोशिश करती है कि उसके पास उसके जीव हैं, लेकिन हर कोई महसूस करता है कि वे जीव उससे डरते हैं, प्यार नहीं करते। फ्रेडी मैक्सी का हौसला बढ़ाता है और उसे मदद करने के लिए राजी कर लेता है। मैक्सी कहती है कि यह जादू करने के लिए उन्हें दोनों को मिलकर काम करना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। वे दोनों जादू करना शुरू करते हैं और मैक्सी उसे बताती है कि जैसे ही पोर्टल बंद हो उन्हें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वे देर करेंगे तो वे चांद और धरती दोनों को नष्ट कर सकते हैं। इस ऊर्जा से एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनेगा जो सब कुछ अपनी ओर खींच लेगा। दोनों मिलकर अनुष्ठान करने में सफल हो जाते हैं और चांद से संपर्क कर लेते हैं। लेकिन बुरी बात ये होती है कि मैक्सी अचानक अपने प्लान बदल लेती है। फ्रेडी और उसके दोस्त सभी गिर जाते हैं क्योंकि वो ये खुलासा करता है कि वो अभी भी चांद की आत्माओं के खिलाफ जाना चाहता है। इसी समय धरती पर भी अराजकता फैलने लगती है। तभी मैक्सी वापस भेड़िया जैसी बन जाती है, लेकिन उसे और भी ज्यादा ताकत चाहिए। फ्रेडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि मैक्सी बहुत शक्तिशाली है और उसे लगभग हरा ही देती है। तभी फ्रेडी के दोस्त उसकी मदद करने आ जाते हैं और उनके बीच के कुछ गैसों से वे मैक्सी को थोड़ी देर के लिए ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं। मैक्सी यह भी देखती है कि वैलेंटिन और बाकी लोग भी आ गए हैं, लेकिन मैक्सी फिर से संभल जाती है और अपने जादू से उन्हें पकड़ लेती है जिससे वे सब उसके सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं। इस दौरान लूना अपने दोस्त को बुलाती है जो जल्दी से मदद के लिए आ जाता है। इसी समय मूपो पोर्टल के पास पहुंचने वाला होता है ताकि वो अपनी ऊर्जा वापस पा सके, लेकिन मैक्सी उसे इसकी अनुमति नहीं देती। तभी फ्रेडी बीच में आ जाता है और मूपो की मदद करता है। सब कुछ होते होते मैक्सी एक मेंढक में बदल जाती है, लेकिन बुरी बात ये होती है कि मूपो धरती से लाई गई ऊर्जा को सोख लेता है और हर कोई देखता है कि वो विशाल और लाल हो जाता है, जैसे शैतान की तरह। वो सब कुछ तबाह करने लगता है। फिर फ्रेडी उसे शांत करने के लिए एक गाना गाता है जिससे मूपो का ध्यान लौट आता है। उसे एहसास होता है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पोर्टल को बंद करने की कोशिश करता है और सभी को बचा लेता है। हालांकि इसके बाद सबको एहसास होता है कि मूपो के पास अब पर्याप्त ताकत नहीं बची है जिससे वो चांद पर वापस नहीं जा सकता। इस पर फ्रेडी अपनी सारी ऊर्जा मूपो को दे देता है ताकि वो चांद पर लौट सके। हम देखते हैं कि फ्रेडी अब इंसानी रूप में लौट आता है और मूपो उसे धन्यवाद कहता है कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया। मूपो फिर से चांद पर लौट जाता है जहां उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर फ्रेडी को इस बात की कीमत चुकानी पड़ती है कि वो अब दोबारा भेड़िया नहीं बन पाएगा। लेकिन मूपो अपनी तरफ से चांद की आत्माओं से कहता है कि वे फ्रेडी को फिर से शक्ति दे। अंत में फ्रेडी दोबारा भेड़िया में बदल जाता है और अपने झुंड का सम्मान फिर से अर्जित कर लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपको कुछ और वीडियो की सिफारिशें दे रहा हूँ। आपका दिन अच्छा रहे।